हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी कुकिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए बैंगन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दो मीडियम साइज़ के मैंने बैंगन ली है, प्याज टमाटर और 4 से 5 मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची मैंने ले ली हैं। तो इसमें प्याज और टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही क्वांटिटी में डाले जाते हैं इस रेसिपी में। तो सबसे पहले हम बैंगन को रख देंगे, डायरेक्ट बर्नर के ऊपर रख देंगे। तो जो गैस की फ्लेम है इसे हम हाई कर देंगे ताकि हमारे बैंगन जो है अच्छी तरह से भून सकें। साथ में मैंने ये पत्थर रखा हुआ है, इसकी स्पोर्ट से जो बैंगन हमारे गिरे ना। देखिए बैंगन हमारे पूरी तरह से भून लिया हमने बैंगन को। ये देखिए इसकी जो स्किन है ईजली उतर रही है, इसकी स्किन हमें बिल्कुल ही रिमूव कर देनी है। अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे बैंगन को। मैंने दोनों बैंगन रख दिए हैं प्लेट में। इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से इसे हल्का सा कट लगाकर देखेंगे। बैंगन हमारे बिल्कुल ही साफ़ है, कई बार कीड़ा भी होता है तो उसे निकाल दीजिए। तो बैंगन हमारे बिल्कुल ही साफ़ हैं क्योंकि ये बड़े बैंगन हैं तो इनमें कीड़े थोड़े से कम ही होते हैं। साथ में मैंने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। सरसों का तेल लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, लेकिन आज मैंने सरसों का तेल नहीं डाला, मैंने रिफाइंड ऑयल ही डाला है। जो सरसों के तेल में ये रेसिपी तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और साथ ही मैंने रफली किए हुए चॉप किए हुए प्याज डाल दिए हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि प्याज हमें बारीक ही काटने हैं, प्याज हम रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसी रेसिपी में बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। और प्याज को हम फ्राई करेंगे, हमने इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, गोल्डन ब्राउन ऐसा कुछ नहीं हमें कलर चेंज करना। सिर्फ हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे सिर्फ 3-4 मिनट के लिए। जो ये रेसिपी है इसी तरह से बनेगी तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। देखिए साथ ही मैंने डाल दिए हैं टमाटर, सिर्फ 4 मिनट मैंने फ्राई किए हैं प्याज, क्योंकि प्याज को बिल्कुल भी हमें नहीं वो करना, हल्का सा कच्चा पनीर निकालना था। साथ ही मैंने डाल दी है हरी मिर्ची, फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। अब मैं डाल दूंगी नमक, स्वाद अनुसार नमक रखिए जितनी आपकी बैंगन की क्वांटिटी है। आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है इसके अंदर। थोड़ी सी मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर। कई लोग मैंने देखे हैं कि जो इस रेसिपी में हल्दी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन हल्दी डालनी ज़रूर चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभकारी है। हल्दी थोड़ी सी ज़रूर डालिएगा, कलर भी अच्छा आता है और हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है ये। तो मैं तो ज़रूर इसमें हल्की सी हल्दी ज़रूर डालती हूँ। देखिए हमने टमाटर सॉफ्ट कर लेने हैं। हल्दी चाहे ज़्यादा नहीं डालिएगा। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला हमारा भुन गया है। इसी के साथ मैंने बैंगन डाल दिए हैं। बैंगन को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, ढक कर रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट के बाद जो हमारे बैंगन हैं इस तरह के हो जाएंगे, जब तक जो हमारी रेसिपी है कढ़ाई के साथ चिपक ना जाए। देखिए हल्की हल्की सी चिपकने लगी है तो ये रेसिपी हमारी इसका मतलब कि परफेक्ट बनकर रेडी हो गई है। ये इसका चिपकना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका जो टेस्ट है अच्छा आता है निकल कर। अब ये हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। धनिया है तो आप डाल लीजिएगा, आजकल धनिया भी मार्केट में बहुत कम आ रहा है। तो अब गर्मा गर्म अब हम सर्व करेंगे बैंगन का भरता। देखिए इसका कलर बहुत अच्छा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इस तरह से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।